दिल्ली के गांव से बनती है। दिल्ली के 360 गांव और उनके खेतों पर नीचे कर ले भाई, हाँ दिल्ली के 300 यार रहना ही नीचे तो कर ले भाई। भाई मेरे तो दूर है नीचे, आप अपनी देखो ना, मैं तो बोल दिया अपनी बोलो ना। फिर यहाँ पे आए अपने बेटियों को आशीर्वाद दिया और यहाँ पे ये फैसला हुआ तो 60 गाँव में आज से पंचायतों का हर पंचायत के अंदर ये मुद्दा रखा जाएगा कि पंचायतों के अंदर इसके समर्थन के लिए चर्चा हो और इतवार को यानी 7 तारीख पूरी दिल्ली के 360 गांव के सभी जातियों के 36 विधानियों के लोग यहां पे आकर दिल्ली के गांव की महापंचायत करेंगे। किसी ने पूछा था क्या ये जाटों का मामला है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं जब जब ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं तो जाट नहीं होते, फिर देश के होते हैं। जब ये देश के लिए मेडल लेके आती है बच्चियां तब ये जाट नहीं होती, तब ये सारे देश की होती है। आज ये बच्चियां अपना हक मांग रही हैं तो इनको कह रहे हैं जाट। मैं ये कहने आया हूँ और हमारे सभी विधायक यहाँ पे कहने आए हैं, सारी जातियां, मैं पंडित हूँ, पंडितों की तरफ से कह रहा हूँ, सारे दिल्ली के पंडित जाटों के पीछे, जाट आगे हम उनके पीछे, गुजर सारे उनके पीछे, वाल्मीकि समाज उनके साथ है, यादव समाज उनके साथ है, जाटव समाज उनके साथ है, सारे समाज यार ये नहीं उनके साथ खड़े हैं। जात पात के अंदर भारतीय जनता पार्टी धरने को जो है वो खराब नहीं कर सकती। देखिए पीटी उषा जी को जब कार्रवाई करनी थी वो समय तो बहुत पहले निकल गया, वो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करना चाहिए था, निकालना चाहिए था। इस तरीके के मामलों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, क्यों नहीं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई की? हर संस्था के अंदर महिलाओं के लिए ऐसी कमेटी बनी है, उसके अंदर अभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और पीटी उषा जी ने कहा कि खिलाड़ी डिसिप्लिन में नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। मेरी नजरों में पीटी उषा वहां थी और अब आगे नीचे आ गई, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो राजनीतिक से प्रेरित था और बहुत शर्मसार करने वाली। आज जी बीजेपी कह रही है हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन को। भैया देखो हम कोई चोरी नहीं करते, हम किसानों के साथ थे, खुल के थे, किसानों को हमने टॉयलेट भी दिए, किसानों को हमने पानी की व्यवस्था भी दी, उन्हें वाईफाई भी दिया, खाने की व्यवस्था भी करी, केले भी रोज बांटते थे, खुल के बांटते थे, कोई चोरी नहीं है। और यहाँ पे भी खुल के इनके साथ है, ये हमारे देश की बच्चियाँ हैं, इनके साथ खड़े हैं, खुल के साथ है। और केंद्र सरकार जो अपनी पुलिस के बल पे इनके लिए टॉयलेट नहीं लगने दे रही, इनके लिए जो टेंट नहीं लगने दे रही, इनकी जो बिजली काट रही है, हम दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री के तौर पर कह रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट इनको वो सारी सुविधाएं देना चाहती है, केंद्र सरकार षड्यंत्र करके इन बच्चों को सता रही है। आज